आत्मनिर्भर। Hey guys, good morning, welcome back to my new vlog. So भाई लोगों, हमारे गांव के अंदर लग रही है सरकारी कैंप लग रहा है यहाँ पे, तो जो कि लाइब्रेरी है उसके जस्ट बगल के अंदर, वहाँ पे देखिएगा इस टेंट तना हुआ है, तो आप सभी को दिखाऊँ, इधर से दिखेगा तो नहीं फिर भी दिखा देता हूँ। और ये देखिएगा इस यहाँ पे लग रहा है टेंट, यहाँ पे लग रहा है कैंप सरकारी, तो दोस्तों यहाँ पे लग रहा है सरकारी कैंप। तो दोस्तों अभी चलते हैं वहाँ पे और आप सभी को दिखाते हैं कि किस चीज़ के बारे में कैंप लग रहा है, तो अभी चलते हैं वहाँ पे और मिलते हैं आप सभी को वहीं पे। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे कैंप के अंदर, और दोस्तों आप सभी देख सकते हो यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं है, और यहाँ पे छोटी सी बच्ची डांस कर रही है। और दोस्तों यहाँ पे अभी देखिए इधर की तरफ कुछ डॉक्टर वगैरह बैठे हुए हैं जो कि सरकारी दवा वितरण कर रहे हैं, यहाँ पे सरकारी दवा दे रहे हैं यहाँ पे। और दोस्तों ये देखिए कुछ ऐसा कैंप लगा हुआ है, तो दोस्तों बाहर से देख सकते हो आप, बाहर से कुछ ऐसा लग रहा है। और इधर की तरफ एक बड़ा वाला ट्रक खड़ा हुआ है, उसके अंदर बड़ी वाली LED लगी हुई है, उसके अंदर पता नहीं क्या क्या दिखा रहे हैं। और दोस्तों ये देख सकते हो आप, कुछ ऐसा कैंप है, ऐसे ज़्यादा लोग आए नहीं क्योंकि दोस्तों किसी को मालूम नहीं था कि यहाँ पर कैंप लगने वाला है। ये 12 बजे से लगना स्टार्ट हुआ था और 12 से 5-6 बजे तक लगेगा ये। और दोस्तों यहाँ पे देख, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गैस का लाभ, जैसे कि गैस का इंश्योरेंस वगैरह हो रहा है उधर। और इधर की तरफ बैठे हुए हैं कुछ, पता नहीं क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, हमें तो इतना मालूम नहीं। और बाकी आप देख सकते हो आप यहाँ पे कुछ इतना संकल्प हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वाले का सम्मान करेंगे नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जय हिंद। 10 दिन की तो ले लो, फिर वापस जांच करवा दो एक बार। तो दोस्तों आप सभी ने देखा कि किस चीज़ का कैंप लग रहा है वहाँ पे, तो दोस्तों मैं वहाँ से लेके आया था ये दवा। तो दोस्तों ये देखिए, यह है छालों की दवाई जो कि मैं लेके आया था अभी वहाँ से, तो मुझे छालों की 6 गोली दी है यहाँ पे, देखिए गाइस। और देखते हैं इसको लेने के बाद कुछ फ़ायदा होता है या नहीं होता है, बट ये देख सकते हो 6 गोली दी है, तो 6 गोली कितने दिन चलेगी, 3 दिन चलेगी सुबह शाम की, तो देखते हैं क्या फ़ायदा होता है या नहीं होता है। बाकी सरकारी दवा है तो देखते हैं लेने में हमारा क्या जाता है, पैसे वैसे लग रहे नहीं रहे थे वहाँ पे, तो दोस्त पर्ची कट रही थी, पर्ची कटा के और 6 गोली दी थी फिर भी, तो लेते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या फ़ायदा होता है नहीं होता है। तो बाकी अभी कैंप लग ही रहा है, तो ब्लॉग में एंड तक बने रहना दोस्तों। अभी मैं आ चुका हूँ वहाँ से और अभी ब्लॉग में एंड तक बने रहना, एंड ब्लॉग पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपकी छोटे भाई का चैनल है, इसे प्यार और सपोर्ट बनाए रखो। दोस्तों क्या है, मेरे मुँह के अंदर छाले बहुत ही ज़्यादा होते हैं, छालों की मेरी बहुत ज़्यादा समस्या है, तो इस वजह से मैं दवाई लेके आया था छालों की, तो देखते हैं फ़ायदा करती है या नुकसान करती है, या छाले जो हमारे गायब हो जाते हैं वो तो दवा लेने के बाद ही पता चलेगा, तो लेंगे उसके बाद आप सभी को रिजल्ट दिखाएंगे। बाकी दोस्तों अभी शाम हो चुकी है और अभी आप देख सकते हो शाम का व्यू, ऐसे बादल वादल से हो रहे हैं, और आज तो दोस्तों धूप भी नहीं निकली, ये देखिए सूरज अभी बादलों के अंदर ही छिपा हुआ है, धूप नहीं निकल रही बिल्कुल भी, ये देखिएगा यहाँ पर है सूर्य और अभी बादलों के अंदर छिपा हुआ है कि बादल ही बादल रखें, ये देखिए अभी बादलों रखें, और आज तो बिल्कुल भी जो है धूप नहीं निकली, सुबह से गाइस बादलों रखे हैं और ठंड भी पड़ रही है सुबह से, क्योंकि सुबह से बादल थे तो ठंड तो रहेगी,
तो दोस्तों अभी चलेंगे और फिर कपड़े वपड़े पहनेंगे, क्योंकि अपनी सेफ्टी अपने आप को ही रखनी पड़ती है। आप सभी भी कोट पहन के रहा करो, क्योंकि सर्दी का टाइम है, अगर जुकाम खान भी लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। बाकी अभी तो दोस्तों कुछ भी नहीं हुआ, तो अभी तो दोस्तों सही हैं और आप भी सही रहो। तो चलते हैं और मिलते हैं आप सभी को थोड़ी देर। आज हमारे बन रही है मूली की सब्जी। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं हमारे छोटे से खेत के अंदर। तो यहाँ आज हमारे खेत की जो मूली है उनकी सब्जी बन रही है। थोड़ी सी पापा जी लेके आए थे और एक दो मूली यहाँ से उपाड़ी थी जो कि थोड़ी थोड़ी बड़ी थी वो। तो दोस्तों आज बन रही है मूली की सब्जी, तो देखते हैं कैसा स्वाद होता है हमारे खेत का। बट अभी मैं एक मूली उपाड़ने वाला हूँ यहाँ से और देखते हैं कितनी बड़ी निकलती है और खाएंगे और टेस्ट भी दिखाएंगे आप सभी को, क्योंकि अपने खेत की हरी सब्जी और जो हमारी सब्जियाँ हैं वो अपने खेत की अपने हाथों से उगाई हुई है। दोस्तों बहुत ही अच्छी है, अपने हाथों से बाग के और खा रहे हैं हम। तो बाकी अभी दोस्तों यहाँ पे देखिए ये है मूली, यहाँ पे कुछ इतनी इधर उग रही है, इतनी नहीं उगी फिर भी उग रही है। तो दोस्तों यहाँ पे एक मूली है जो कि मुझे लग रही है बड़ी, तो मैं अभी इसको उपाड़ने वाला हूँ यहाँ से। तो गाइस ये तो छोटी है, अभी इसको उपाड़ के देखते हैं। गाइस ये भी गाइस छोटी लग रही है। गाइस ये क्या है, अभी छोटी है क्या, इनमें पानी नहीं लग रहा इस वजह से ये क्या है थोड़ी बड़ी नहीं हो रही। गाइस ये लग रही थोड़ी। तो गाइस ये देखिए ये मूली निकली है हमारे खेत के अंदर, ये है इतनी बड़ी। तो गाइस अभी खाते हैं मूली और आप सभी को दिखाते हैं इसका इसका कैसा टेस्ट है। बाकी दोस्तों अभी मुँह उड़ने स्टार्ट हो चुके हैं, मच्छर उड़ना स्टार्ट हो चुके हैं। क्या है, सरसों के ऊपर बैठते हैं मच्छर, तो अभी वो उड़ना स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो हमारी मूली वगैरह है तो इन पे भी बैठेंगे, तो इस वजह से अभी इनको जल्दी उपाड़ना पड़ेगा, क्योंकि बाद में ये ख़राब हो जाएंगी, इनके ऊपर कीड़े वगैरह बैठ जाएंगे। तो बाकी दोस्तों ये रही हमारी मूली, तो इसको धोते हैं और खाते हैं और आप सभी को इसका टेस्ट बताते हैं। तो गाइस ये है हमारे खेत की मूली नेचुरल, जिसके अंदर कोई भी दवा कुछ भी दवाओं का यूज़ नहीं किया गया हमारे खेत के अंदर, इसके अंदर। तो ये है एकदम नेचुरल और खाने लायक मूली, जिसके अंदर किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया दवाओं का इसको बड़ा करने के लिए, ओनली फॉर पानी के अंदर उगी है ये। तो अभी खाते हैं और आप सभी को दिखाते हैं बताते हैं कि इसका कैसा टेस्ट है। यहाँ पे देखिए आज बन रही है मूली की सब्जी, तो यहाँ पे इसके अंदर परात के अंदर है मूली बहुत सारी और इसके पत्ते यहाँ पे, तो इनको धोएंगे अभी। तो यहाँ पे दीदी जी इनको धो रही है। तो गाइस मैं तो फटाफट से हमारी मूली खाता हूँ और आप सभी को इसका टेस्ट बताता हूँ। तो गाइस इसका टेस्ट है थोड़ा चपराट है इसके अंदर, थोड़ी चपरी चपरी है, बाकी खाने में बहुत अच्छी है, किसी भी दवाओं का इस्तेमाल नहीं किया गया इसके अंदर। तो अभी खाते हैं फटाफट से इस मूली को। हो चुकी है शाम और गाइस अभी देखिए सूरज भी डूब चुका है पहाड़ों के पीछे, बाकी अभी बादल बादल हो रखे हैं। और गाइस दो तीन दिन से तो जो ठंड है वो बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है, और अभी दोस्तों मैं भी स्वेटर वगैरह पहन के आ चुका हूँ और अभी शाम का माहौल है। तो दोस्तों अभी ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रखी है, क्योंकि अभी तीन चार दिन से तो ज़्यादा ही ठंड पड़ रही है हमारी इधर भी, क्योंकि हमारे तो देखो चारों तरफ से खुला एरिया है यहाँ पे, तो चारों तरफ से ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो बाकी इस ठंड तो होगी ना। तो बाकी उधर तो गांव में तो कम लगती है, इतनी नहीं लगती, कम लगती है, वहाँ पहाड़ है पास में तो कम लगती है इस वजह से। दोस्तों यहाँ तो चारों तरफ खुला है इसलिए यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो गाइस अभी मैं तो स्वेटर वगैरह पहन रखा हूँ ये देखिए, और अभी चैन नहीं बंद करी, अभी चैन वैन भी बंद कर लेते हैं, क्योंकि अभी ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने लग गई, तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो दोस्तों मैं फटाफट से चैनल बंद कर लेता हूँ और आप सभी व्लॉग में यहाँ तक बने रहना, एंड व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक, चैनल को नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, छोटे भाई का चैनल है, इसे प्यार और सपोर्ट बनाए रखो। तो गाइज अभी मैं आ चुका हूँ ऊपर और दोस्तों यहाँ पे खा रहा हूँ मैं चिप्पस, आलू की चिप्पस, ये देखिए गाइस ये है आलू की चिप्पस। तो गाइस यहाँ पे तीखी वाली चिप्पस खा रहा हूँ और अभी सर्दी हो रखी है तो गर्म तो नहीं है, ठंडी ठंडी है, लेकिन जो तीखी वाली चिप्पस है वो खा रहे हैं, तो इससे थोड़ी बहुत गर्माहट आ जाएगी, क्योंकि तीखी है, मिर्ची विर्ची लगेगी तो थोड़ी गर्माहट आ जाएगी। तो मैं फटाफट से चिप्पस खा लेता हूँ, आप भी खा लो दोस्तों, आप तो कैसे खाओगे, मैं फटाफट से चिप्पस खाता हूँ।
तो गाइस अभी खाते हैं यहाँ पे चिप्पस, ये देखिए ये है आलू की चिप्पस बहुत तीखी वाली, तो भी खाते हैं फटाफट से। और गाइस आप पीछे देख सकते हो बादल और हैं, अभी बाहर हो चुका है अंधेरा दोस्तों, बाहर रात हो चुकी है। तो दोस्तों अभी मैं अंदर, क्योंकि बाहर दोस्तों बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, तो दोस्तों अभी चलते हैं और अंदर बैठते हैं और दोस्तों अभी टीवी भी देखेंगे। तब तक जो हमारा खाना है वो बन रहा है, उसके बाद दोस्तों खाना वाना खा के निकलेंगे यहाँ से घर के लिए। तो अभी चलते हैं और अंदर टीवी देखते हैं। तो गाइस अभी आ चुका है हमारा खाना, तो दोस्तों खाने के अंदर यहाँ पे है हमारे खेत की मूली और रोटी। तो दोस्तों ये हमारे खेत की मूली जिसकी सब्जी बनी है आज, तो दोस्तों खाने के अंदर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होने वाली है क्योंकि हमारे खेत की नेचुरल मूली की सब्जी है। तो दोस्तों फटाफट से खाना वाना खाते हैं, उसके बाद चलेंगे यहाँ से घर पे। तो दोस्तों फटाफट से खाना वाना खा के उसके बाद मिलते हैं यहाँ से। दोस्तों मैं खाना वाना खा के आ चुका हूँ सीधा घर पे। तो दोस्तों आज के व्लॉग को करते हैं यहीं एंड, आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कर देना एंड चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है ऐसे ही प्यारे से व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। Oh, oh, oh.